26 जनवरी 2022 को हमारा देश भारतवर्ष 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को हमारा नया संविधान लागू हुआ था, इसलिए सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। संविधान बनने में काफी समय लगा, लेकिन इस दिन इसे लागू किया गया, इसलिए यह हम लोग 26 जनवरी को ही हर वर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत का संविधान जो बना, इसके अंतर्गत भाग 4 क में कुछ नागरिकों के मूल कर्तव्य उसमें दिए गए हैं, जो हम लोगों को जानना आवश्यक है। तो आइए, इस अवसर पर हम लोग इस संविधान के संबंध में और गणतंत्र दिवस के संबंध में कुछ छोटी छोटी बातों को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले, नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में ये वर्णित है। इसे आप देखिए क्या है इसमें। मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ख, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोए रखें और उनका पालन करें। ग, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। घ, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अंग, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। च, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। छ, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। झ, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। य, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और ट, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। इस अवसर पर हमने इसे सुनाया और इसी के साथ हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं राष्ट्रीय गीत के संबंध में। पहले ब्रिटिश काल में जब भी कोई भी समारोह हुआ करता था, जब भी कुछ भी उस तरह के उत्सव हुआ करते थे, तो उस समय आज़ादी के पहले वहाँ समारोह में गाया जाता था गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द क्वीन। तो इसके विरोध में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की और इस गीत को आनंद मठ में भी उन्होंने उल्लेखित किया। संस्कृत में उसमें लिखा गया है आनंद मठ में और इसकी रचना 1896 में इसकी रचना हुई थी और सॉरी 1896 नहीं 1876 में इसकी रचना उन्होंने की थी और फिर 1896 में और 1905 में इसे बहुत ही ज़ोर शोर से गाया गया था। 1896 में गाने के बाद इसकी बहुत ही यह बहुत गान चर्चित हो चुका था और फिर 1905 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में इसे बनारस में गाया गया था। तो इसके गाने के बाद कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया क्योंकि इसमें देवी दुर्गा आदि की भी चर्चा, इसमें शक्ति की चर्चा भी की गई है। तो कुछ लोगों ने इनका इस गीत का विरोध भी किया कि यह राष्ट्र गान नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और यह राष्ट्रगान के रूप में है और हर समारोह में आजकल इसे गाया जाता है और गाया जाना चाहिए। तो इसी के साथ धन्यवाद।